बड़ी बहू, दाल चावल के साथ में ना आम की चटनी बना लेना और साथ में पुदीना भी डाल देना। ठीक है मम्मी जी। अरे छोटी बहू आ गई। आ गई मम्मी जी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते भाभी, और कैसे हो दोनों? मम्मी, 4 दिन मायके में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सच बताऊं, मेरा तो आने का मन ही नहीं कर रहा था। ये देखो, मैं आपके लिए कितनी अच्छी साड़ी लेके आई हूँ, मम्मी ने भेजी स्पेशली आपके लिए, देखो। अरे वाह छोटी बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। बड़ी बहू देख ले, इसको कहते हैं लेन देन। छोटी बहू जब भी अपने मायके जाती है मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। कुछ सीख ले अपनी देवरानी से। मम्मी जी, डॉली के घर वाले बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो वो लोग लेन देन अच्छा कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता है मेरे पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं, और मेरे घर की आमदनी कुछ खास नहीं है, तो वो लोग लेन देन करेंगे कहाँ से। हाँ ये तो है, इसमें तेरी क्या गलती, तू ठहरी गरीब घर की। चलो छोड़ो मम्मी जी इन बातों को। मम्मी जी आपसे एक बात कहनी थी, मेरा ना अपने मायके में अभी रहकर ना दिल नहीं भरा। अभी गर्मियों की छुट्टियां बस 10-15 रह गई हैं, मैं सोच रही हूँ अभी संडे आ रहा है, 2-4 दिन और लगा आती हूँ। अरे छोटी बहू, इसमें पूछने की क्या बात है, जब तेरा दिल करे अपने मायके चली जाया कर। मम्मी जी आप बहुत अच्छे हो, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपने ससुराल में हूँ, सास हो तो आप जैसी। अब मैं ना जल्दी से अपनी मम्मी को फ़ोन करके बता देती हूँ मैं ठीक ठाक से पहुँच गई हूँ। हाँ मम्मी बिल्कुल अभी पहुँची हूँ। वैसे एक बात है, आपकी ये ट्रिक ना हमेशा काम कर जाती है। मेरी सास तो आपको पता ही है लेन देन की कितनी भूखी है, साड़ी देख कर इतनी खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी जो जेठानी है वो है गरीब घर से, वो लेन देन तो कर नहीं पाती है, और मैं मम्मी को कुछ ना कुछ देकर ना मम्मी का मुंह बंद कर देती हूँ। और तो और मैंने ना संडे की भी बात कर ली कि संडे को 3-4 दिन के लिए मैं अपने मायके रहने जाऊँगी। मम्मी मैं दोबारा आने वाली हूँ आपके पास। मम्मी जी अब तो डॉली भी अपनी मम्मी के घर से आ गई है। आपने मुझे कहा था जब डॉली आ जाएगी तो दोनों बच्चों के साथ अपनी मम्मी के घर चल जाइयो, तो क्या मैं अपने मम्मी के घर 2-4 दिन रह आऊँ? अरे बड़ी बहू, मैंने जब बोला था तब गर्मी कम थी, अब देख रही है बाहर टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है, और तेरे मायके में एसी भी नहीं है, बच्चों को ले जाके मारेगी क्या? मम्मी जी गर्मी का क्या है, गर्मी तो हर साल पड़ती है। माना मेरे घर में एसी नहीं है पर कूलर तो है, मेरे बच्चे कूलर में रह लेंगे मम्मी जी। नहीं नहीं बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, उनको कूलर की आदत नहीं है। तू ऐसा करना, सर्दियों की जब छुट्टी पड़ेगी जब चली जाना। मम्मी जी सर्दियों की छुट्टियों में तो बहुत टाइम है, आपने मुझे बोला था कि डॉली के आने के बाद तुम मायके चली जाइयो, तो मैंने मम्मी को भी बोल दिया था और अपनी बहनों को भी बोल दिया था, वो लोग ना मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मम्मी जी 2-4 दिन नहीं भेज सकते तो सिर्फ 2 दिन के लिए भेज दो प्लीज़। बड़ी बहू तू ज़्यादा मेरे से बहस मत किया कर, मैंने तुझे एक बार मना कर दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। अब जाके दाल चावल बना ले और आम की चटनी भी बना ले। अरे मम्मी कहाँ ठीक हूँ, आज सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया जब मुझे पता चला मेरी ननद आ रही है अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टी पे रहने के लिए। आपको तो पता ही है मेरी ननद के बच्चे कितने शैतान हैं, कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए देते रहो। मैंने तो अपनी सास के कहने से पहले ही उनको बोल दिया, मम्मी जी आज मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ना कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी, तो आप भाभी को ही बोल दो। मम्मी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बड़ी बहू, रेनू आ रही है बच्चों के साथ यहाँ पे रहने के लिए, और छोटी बहू की तो तबीयत खराब है। ऐसा करना सारा काम ना किचन का तू संभाल लेना, अगर जो सामान नहीं होगा बाजार जाके ले आना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर लूँगी। ठीक है बहू, और हाँ जब बाजार जाना ना मैक्रोनी और पास्ता ले आना, बच्चों को बहुत पसंद है। रेनू का फोन। हाँ रेनू। नमस्ते मम्मी। मम्मी मेरा इंतजार मत करना, मैं रहने नहीं आ पाऊंगी। क्या रेनू बेटा तू आ नहीं रही है, हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे। मम्मी मैंने तो आने के लिए सारी पैकिंग कर ली थी, मेरा बहुत मन था आने का, मगर एंड टाइम पे मेरी ननद का फोन आ गया कि वो आ रही है अपने बच्चों के साथ रहने, तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी आपके पास। अरे रेनू बेटा तेरी ननद अभी तो आई तो थी, एक हफ्ता पहले रह के गई, फिर दोबारा आ रही है रहने के लिए। मम्मी आप तो जानती हो ना मेरी ननद कितनी पैसों वाली है, उसकी ससुराल में भी चलती है और मायके में भी चलती है, और जिसके पास पैसा होता है उसी का बोलबाला होता है। मैं तो आ ही रही थी, मेरी सास ने बोल दिया कि ननद आ रही है तो मेरे को मना कर दिया एंड टाइम पे जाने के लिए।
रेनू बेटा, तेरी सास ना बहुत बुरी है, अमीरी गरीब भी बहुत करती है। मम्मी अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे इन लोगों के साथ रहना है तो इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अच्छा मम्मी रखती हूँ, मेरी ननद आने वाली है, मुझे खाने की तैयारी करनी है। चल ठीक है बेटा। बहू रेनू नहीं आ रही है। क्यों मम्मी जी, रेनू क्यों नहीं आ रही है? क्या बताऊँ बहू, उसकी अमीर ननद फिर दोबारा रहने के लिए आ रही है। मेरी फूल सी बच्ची का दिल टूट गया, उसकी गर्मी की छुट्टी पूरी निकल गई, आजकल अमीरी का बोलबाला है। मम्मी जी ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, आज के टाइम ना अमीरी का ही बोलबाला है। आज जो रेनू दीदी के दिल पे बीत रही है ना, वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि वो सब मेरे साथ भी तो इस घर में हो रहा है। आप भी तो अमीरी गरीबी बहुत ज़्यादा करते हो। डॉली अमीर घर से है, इसीलिए आप ना उसकी किसी भी बात को टालते भी नहीं हो। और मैं मम्मी जी अमीर घर से नहीं हूँ, गरीब घर से हूँ, और कुछ लेन देन भी नहीं कर पाते मेरे परिवार वाले, सिर्फ इसीलिए ना आप मेरी एक बात भी नहीं सुनते। मम्मी जी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इंसान के कर्म ना हमेशा लौट कर आते हैं। आप जो मेरे साथ करते हो वही सब तो रेनू के साथ हो रहा है। फ्रेंड्स ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी थी, और ये हमें आप में से किसी एक ने भेजी है। उनकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ इस कहानी को दिखाया जाए। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा होता है या जिसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, बस उसी की सुनी जाती है। इसके बावजूद जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है, तो उस इंसान की घर में बिल्कुल भी कदर नहीं होती है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।